सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा नया फिश रूम। वहाँ पर रिसेंटली काम चल रहा है। कौन सा टैंक्स रहेगा वहाँ पर, क्या क्या फिश रहेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था मेरा जो बड़ा जाइंट गोरमी था, उसको टेम्पोररी हम लोगों ने, मेरा जो सीमेंट टैंक है जहाँ मैं स्टॉक रखता हूँ मेरे शॉप के लिए, तो वहाँ पर रखा था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लाइक वो इतना दिनों से मेरा पास फिश रूम में था। तो उसी के लिए और हम लोग थोड़ा स्पीड कर दिए फिश रूम का काम करना, एंड फाइनली आज हम लोग उसको वापस फिश रूम में डालेंगे। एंड नया फिश रूम में कौन सा फिश रहेगा वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रैक है, एंड इसमें 5-6 फीट का कुछ बड़े बड़े टैंक्स भी आएगा। एंड इसी तरह और भी रैक्स यहाँ पर बनाने का प्लान है, बट अभी नहीं, कुछ दिन बाद। एंड एंड पे आप लोग को हम लोग दिखाएंगे फिश ट्रांसफ़र भी कैसे करते हैं सेफली। एंड मैं बहुत जगह देखा हूँ, बहुत लोग कुछ अगर एक्सीडेंट होता है फिश ट्रांसफ़र का टाइम, वो वाला पार्ट ट्रिम कर देते या काट देते, तो उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप हॉबिस्ट को दिखाना होगा। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो जो है सच बोलना, आपका कोई फिश डेथ करता है तो हैव टू टेल द हॉबिस्ट। ठीक है, जो व्यूअर्स हैं उनसे हमेशा सच बोलो। अगर आप एक छोटा सा नेट को सपोज एक बड़ा अरवाना नॉर्मली पकड़ के लेके जाओगे, वो ऑब्वियसली जम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी पूरा स्प्रिंग जैसा रहता है। अरवाना का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है, प्लास्टिक बैग डाल के उसको उठाना पड़ता है, फिर सेफली एक्लिमेट करके डालना पड़ता है। एंड अगर बहुत ही बड़ा अरवाना रहेगा, जैसे मेरा था 2 फीट प्लस का, आप लोग देखे होंगे, उसके लिए बहुत बड़ा नेट चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह का अगर आपको कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बड़े हाथ, चलो सर जल्दी से, थोड़ा सा ऐसा ऐसा जो चलो चलो, स्पीड है स्पीड है स्पीड है, बेसी कौन रखो ना, नीचे टा एकदम नीचे, तक एकदम नीचे, এখন ছোটই আছে, খুব বড় নাই, বড় হবে। পড়ে গেল পড়ে গেল পড়ে গেল, চম্বুক একদম পুরো। বেচারা বহুত দিন ধরে আছে এখানে, লাঠি দেখো একটু এদিকে, দিদুন কে ডাকা, তোর মা কে ডাক, দিদুন কে ডাকা, তো এক চান্স, মুখটা কাটা আছে, এমনি নিয়ে চলো 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 চলো, এক চান্স ভরে বাপ। আস্তে আস্তে দেবে না, পড়ে না পড়ে না পড়ে না পড়ে, হাত দাও না হাত দাও না, হাত এন্ট্রি, নিজের ঘরে চলে এলো আবার, এখানে ঠিক ছিল, ওইগুলোর জন্য রেখেছিল না, কি করবো তোমরা দাদা। সো ইয়ে থা গাইস, আজ কা ভিডিও, আই হোপ আপ লোগো কো কুছ সিখনে কো মিলা হ্যায়। जो बड़े फिश रहते हैं उनको जनरली उतना एक्लिमेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर पानी का टेम्परेचर सही रहेगा तो। एंड हम लोग का नया स्टॉक भी आया है, थोड़ा क्वारंटाइन हो रहा है, जब रेडी हो जाएगा हम लोग शॉप में सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलो हैव अ नाइस फिश।